नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका प्रॉपर्टी 2050 में। मैं अमित बडोला आज आपको एक लोकेशन पे लेके आया हूँ। ये लोकेशन है आपका पंडितवाड़ी में बसंत विहार के पास, और यहाँ पे 225 स्क्वायर यार्ड का एक घर है जो अभी सेलिंग के लिए है। और इसकी मैं थोड़ा सा आपको खासियत और नेगेटिव पॉइंट क्या है दोनों चीज़ें आपको बता दूंगा। तो सबसे पहले मैं इसका एडवांटेजेस बताता हूँ। यह आपका जो मेन हाईवे है उससे ज़्यादा दूर नहीं है, हार्डली 100 मीटर के आसपास इसकी डिस्टेंस है। दूसरी चीज़, इसके फ्रंट एंड बैक में दोनों तरफ इसकी रोड्स हैं। एक तरफ इसकी लगभग 20 फीट के आसपास है और दूसरी तरफ 15 फीट के आसपास की रोड है। थर्ड थिंग, जो ये घर है, ये घर ऐसे इलाके में है जहाँ पे अगर आप ढूंढने से भी आपको इस तरह की प्रॉपर्टी नहीं मिलेगी, और अगर मिल भी जाती है तो काफ़ी कॉस्टली मिलेगी। इसकी मैं प्राइसेस की अगर बात करता हूँ तो इसके जो प्राइसेस हैं लगभग 32,000 रुपये के आसपास, 32,000 रुपये गज पर स्क्वायर यार्ड इसकी जो वैल्यू है, सिर्फ प्लॉट की वैल्यू है। और सबसे अच्छी बात यह है, जो ये घर है ये काफ़ी पुराना घर है, लेकिन इस घर की इसकी कंस्ट्रक्शन कॉस्ट कुछ भी इस पर डिमांड नहीं है, सिर्फ प्लॉट का ही इसमें प्राइसेस लिए जा रहे हैं। अब बात करते हैं डिस्टेंस की। तो मेन क्लॉक टावर से अगर हम इस प्रॉपर्टी की डिस्टेंस की बात करें, लगभग 5 किलोमीटर के डिस्टेंस पे ये प्रॉपर्टी प्लेस्ड है। और इसके नियर अबाउट जितने भी पॉइंट्स से हॉट एरियाज़ हैं वो आपका बसंत विहार हो गया, FRI हो गया, आपका यहाँ पे नियर अबाउट सिद्धार्थ पैराडाइज और क्राउन रेजिडेंसी है। तो और ये जो एरिया आता है पंडितवाड़ी में आता है, पंडितवाड़ी एंड बसंत विहार में आता है। और साथ साथ में एक पॉजिटिव चीज़ मैं आपको इसमें बताना चाहता हूँ, इसमें कंस्ट्रक्शन तो है ही जिसकी डिमांड नहीं है, जिसकी वैल्यू बिल्कुल भी नहीं लगाई गई है। और अगर कोई अगर इस कंस्ट्रक्शन को अगर रेनोवेट करता है तो आराम से ये रहने लायक है। साथ में ही इसमें बिजली पानी सब कुछ अवेलेबल है, तो ये इसकी पॉजिटिव चीज़ें हैं। बाकी अगर हम बात करें थोड़ा सा एक नेगेटिविटी की, तो नेगेटिविटी ये है कि ये घर काफ़ी टाइम से बंद है, तो इसमें थोड़ा खर्चा करना पड़ेगा, लेकिन वो खर्चा इतना ज़्यादा नहीं रहेगा कि वो किसी के बजट से बाहर जाए, क्योंकि इसमें जो प्राइसेस लिए जा रहे हैं, सिर्फ अभी भी मैं बता देता हूँ, सिर्फ जो प्राइसेस लिए जा रहे हैं वो सिर्फ प्लॉट का लिया जा रहा है, जो प्लॉट साइज है उसका लिया जा रहा है, कंस्ट्रक्शन का बिल्कुल भी नहीं लिया जा रहा है। इसके साथ ही हम आपको थोड़ा सा घर के अंदर एक बार मूवमेंट करवा लेते हैं, घर के अंदर दिखाते हैं कि किस तरह से ये घर बना हुआ है।